The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown. And therefore, within a month, the government will launch the special scheme, which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility, through which once the lockdown is lifted, they can start their business back, they can buy their products to sell, and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees. And for this, we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड 19 के समय इस पिछले दो महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इनका इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपये की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी, कुछ और बेचना है, तो 2,000-10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये एक महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 के बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज़्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले, ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें